हेलो एवरीवन टुडे वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर टू रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ इन डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर डेमोक्रेसी में लोगों लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट उनकी वेलफेयर के लिए वर्क करेगी उनकी हेल्थ के लिए वर्क करेगी हेल्थ क्या होती है दैट मीन्स कि ऐसी एबिलिटी कि हम फ्री रहें बीमारियों से और इंजरी से इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टीन थाउजेंड पर ईयर हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ काफ़ी इंप्रूव हुई है नाइन्टीन फिफ्टी में टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवनटीन थी और आज टू थाउजेंड में ये एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड एटीन हो चुकी है दैट मीनस कि बिफ़ोर ट्वेंटी टू ईयर्स अभी के सर्वे तो और ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ़ मेडिकल टूरिस्ट भी रहते हैं हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो ये टू पार्ट्स में जैसे कि बाकी सारे सिस्टम्स डिवाइड हैं ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड है पब्लिक हेल्थ केयर यानी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हेल्थ केयर जो कि इंडिविजुअल पर्सन या फिर ग्रुप्स के द्वारा किए जाते हैं यहाँ पे हाकिम शेख की स्टोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि एक मेंबर था पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर को लेके उसका एक्सीडेंट हुआ था 1992 में वो ट्रेन से गिर गया था उसके काफ़ी चोटें लगी थी और वह एक जगह से दूसरी जगह एक, एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल पर उसको लेके जाया जा रहा था लेकिन कहीं पे फैसिलिटी नहीं कहीं पे डॉक्टर नहीं कहीं पे प्लेस नहीं इस तरह से लगभग एट डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तक वो घूमा और फोर्टीन आवर्स वो उसी क्रिटिकल स्टेट में रहा किसी ने उसे एडमिट नहीं किया फ़ाइनली उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और इस चीज़ में उसके काफ़ी पैसे खर्च हुए गुस्से में और इन कंडीशंस के बारे में सोच के उसने और उसकी समिति ने कोर्ट में एक केस फाइल किया यहाँ पे एक और चोरी है जो कि द कॉस्ट ऑफ क्योर यानी इलाज का कॉस्ट तो यहाँ प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स के कॉस्ट की बात बताने के लिए दो बच्चों के बीच की कन्वर्सेशन शो की गई है जिसमें एक बच्चा जो था वो छुट्टी पे था और दूसरा भी तो जब ये दोनों आपस में मिले एक जो रिच था उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो एक ऐसे हॉस्पिटल में गया जहाँ पे ऐसे लग रहा था फाइव स्टार हॉस्पिटल है सब तरह की फैसिलिटीज़ हैं सारे उससे बहुत प्यार से डील कर रहे हैं बहुत ही प्यार से उसे मेडिसिन दी गई बहुत ज़्यादा सारी मेडिसिन दी गई और काफ़ी बिल बना दैट मीन्स कि सिर्फ हॉस्पिटल में अंदर एंट्री होने की भी उसे चार्जेस पे करने पड़े जबकि जो दूसरा बच्चा था उसने बताया कि उसे एक लंबी लाइन में लगे रहना पड़ा काफ़ी सारे चेकअप हुए काफ़ी लोग हरी में थे बहुत ही जल्दी में थे और उसे एक से दो मेडिसिन ही मिली और प्रॉपर केयर करने के लिए बोला गया तो कहीं ना कहीं उन दोनों के कॉस्ट में काफ़ी फर्क था प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटी के लिए भी पैसे लगे थे जबकि पब्लिक हॉस्पिटल में उस मेडिसिन को भी फ्री दिया गया था नो डाउट उसमें टाइम लगा था और प्राइवेट में टाइम नहीं लगा था हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी हेल्थ केयर जो है वो किस तरह से हमें मिल रही है और क्या उसमें सबके साथ इक्वालिटी है इज़ एडिकट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल क्या एडिक्यूट हेल्थ केयर जो है वो हर एक के लिए अवेलेबल हैं या नहीं बट कैन बी डन अगर नहीं है तो क्या चीज़ें करनी चाहिए किन चीज़ों पर गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए गवर्नमेंट कैसे उन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकती है ये सारी चीज़ें ही आगे इन चैप्टर्स में चलती रहेगी दरला एक्सपीरियंस केरला का एक एक्सपीरियंस बताया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है 1996 में केरला गवर्नमेंट ने एक चेंज किया कि वो रूरल एरियाज़ में भी डेवलपमेंट चाहती थी इसलिए उन्होंने अपने बजट के बीच का 40 परसेंट जो बजट था वो पंचायत को दे दिया ताकि अब वो देखे वो डिसाइड करे कि कैसे उन्होंने वहाँ पे पैसे खर्च करनी है वहाँ पे एजुकेशन को हेल्थ केयर को और कौन कौन से सिस्टम को उन्होंने इम्प्रूव करना है ये विलेज ही डिसाइड करेगा अब या विलेज पंचायत के द्वारा ही ये चीज़ें डिसाइड की जाएंगी इसके आगे यहाँ पे कोस्ट अरिका की बात की गई है जो कि एक वन ऑफ द हेल्दियस्ट कंट्री मानी गई है साउथ अमेरिका की और इसका रीज़न क्या है यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ही जिसमें ये पहले ही डिसाइड कर लिया गया था कि यहाँ पे आर्मी नहीं रखी जाएगी आर्मी ना रखने के कारण से उनका जो पैसा आर्मी में लगना था उन पैसे को उन मनी को वो दूसरे कामों में लगा रहे थे हेल्थ में एजुकेशन में और बाकी सब चीज़ों में इसलिए ये काफ़ी हेल्दियस्ट कंट्री मानी जाती है तेलंगाना जो है वो ट्वेंटी नाइन्थ स्टेट बनाई ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी चैप्टर का ट्वेंटी नाइन्थ स्टेट है इंडिया का कब बनाएं सेकेंड जोन टू थाउजेंड फोर्टीन में और इसे री किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा दैट मीन्स आंध्र प्रदेश जब री हुआ था तो उसी से सेपरेट होकर हमारा कौन सा नया स्टेट बनाए तेलंगाना वो ट्वेंटी नाइन्थ स्टेट था और अब ये चेंजेस और बढ़ चुके हैं कई यूनियन टेरेटरीज जो हैं वो कन्वर्ट हो गई है स्टेट्स में और इसलिए हमारे पास ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड एट यूनियन टेरेटरीज हैं होपफुली वो भी हम किसी चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे थैंक यू